हेलो गुवाहाटी, मैं अभी आ चुका है बॉम्बे पिज्जा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिटी फूड है, गारंटी आपको देता है। सो ये सब हम बाद में बोलेंगे, आपको लोकेशन पहले बोल देता हूँ मैं। लोकेशन है कॉलोनी बाजार काला पहाड़। तो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना मिथिलेश भंडारी। तो मुझे जब भी मन करता है एक अच्छा सा बर्गर खाने का, सैंडविच खाने का, तो वड़ा पाव खाने का, तो मैं आ जाता हूँ बॉम्बे पिज्ज़ा में। नाम पिज़्ज़ा है बॉम्बे पिज़्ज़ा, पर पिज़्ज़ा मेरे को ओवरऑल एवरेज लगता है यहाँ का, क्योंकि पिज़्ज़ा का जो मज़ा है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा हट में वो मज़ा कहीं भी नहीं है। बट बाकी जो भी चीज़ है यहाँ का, मतलब जो भी बोलेगा, बहुत बढ़िया है। तो वैरायटी है बहुत सारा। पहले स्टॉल पे था, जैसे आप मेरा एक वीडियो में देख सकते हैं, पहले ये स्ट्रीट पे स्टॉल पे था। जब से ब्रिज बनने लगा वहाँ से हटा दिया, तो लोग फाइनली ये लोग दुकान में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं सोचा अगर आप लोग मेरे चाहने वाले हैं, आप लोग को अच्छा सा खाना पसंद है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो डेफिनेटली हम आप लोग लेके आ चुका है। आप लोग जहीं से भी आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हैं। प्राइजेस इज वेरी, मतलब अफोर्डेबल है बोल सकता है। बाकी मज़ा करिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और मतलब चैनल पर नए हैं तो क्या सब्सक्राइब करना है पहले, समझे ना क्या हम लोग का टारगेट है। अभी तक सिर्फ 6,000 ही हुआ है, और मैं आप जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं बैक टू बैक वीडियो लाऊंगा, तो मैं आ चुका आप लोग के लिए। बाकी ज़्यादा बात नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो तो ये रहा आपका प्राइजेस, आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा का प्राइस आपका 70 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, बर्गर का प्राइस आपका 30 रुपीज़ ओनली, फिर फ्रेंकी आपका 30 रुपीज़, फिर सैंडविच हो गया आपका 40 रुपीज़ जो मैं खा रहा हूँ, और वड़ा पाव भी 30 रुपीज़ से। बाकी डोसा, वेफर, फिर डबेली, पाव भाजी, बहुत सारी चीज़ें है यार, क्या क्या चीज़ें, मतलब बहुत सारे हैं। पर मैं खाऊँगा अभी, सबसे पहले आपका खा रहा हूँ सैंडविच हो गया, मसाला बटर मसाला सैंडविच, टोस्ट बोलते हैं, टोस्ट लिखा है यहाँ पे, सैंडविच ऊपर में लेके टोस्ट लिखा है, तो हम पहले ये खा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सैंडविच, इसका प्राइस हो गया आपका 30 रुपीज़। तो चलिए टेस्ट करते हैं, फर्स्ट बाइट। अकेले हैं, अकेले बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मतलब इसका ये सैंडविच ही लगता है। सही है, हेल्दी थोड़ा सा बोल सकते हैं, बाकी मेरे को तो खाना है भाई। बहुत सही है, मेरा भी एक तो गांव, मतलब जब हम जहाँ रहे और मिलता था ना, तो वहाँ पे सेम ऐसा एक अंकल आया था, वो बेस्ट सैंडविच बर्गर से बनाता है, पर वो फिर चला गया। वो भी सेम बम्बे से जाके, मतलब काम करके आया था, ये लोग भी बम्बे से आके आया, पर यहाँ पे परमानेंटली अभी यहाँ पे है। बहुत सही बनाता है, मतलब अच्छा लगा, मतलब कम प्राइस में अच्छा खाना, बढ़िया है, और हर एक बाइट में मतलब बहुत सही स्वाद है, मज़ा आ जाता है। जब तक जिम स्टार्ट नहीं किया तब तक खाते हैं। बहुत फास्ट सर्विस है अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज अभी क्राउड कम है। एक नंबर। ये वीडियो देख के मेरा दोस्त लोग जलने वाला है, बोले अकेले अकेले, पर हाँ भाई अकेले अकेले, तुम लोग सब बिजी है क्या करेगा। सैंडविच ख़त्म हुआ नहीं कि ढवेली भी आ गया, तो सैंडविच का लास्ट बाइट, सो लेट्स डू इट, ख़त्म करते हैं फिर खाते हैं। बहुत अच्छा। तो ये रहा आपका ढवेली, दो पीस है, मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का ढवेली है, पता नहीं यहाँ का हम लोग जो ढवेली खाया था वो थोड़ा अलग है। आपको स्टफिंग दिखाते हैं कैसा है, देखिए पता नहीं ये ढवेली है कि क्या है। ये बर्गर, ये कहते हैं बर्गर भी नहीं बोलेगा इसको, पाव भाजी कम ढवेली टाइप का ज़्यादा लग रहा है मेरे को, बट ठीक है, एक बार ट्राई करना तो बनता है, तो ट्राई कर लिए हम लोग। और बोलते हैं ना ज़्यादा खाने को वेट नहीं कराना चाहिए, तो लेट्स डू इट, फर्स्ट बाइट देखते हैं कैसा लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा, मतलब आपका ढवेली खा रहा हूँ, ढवेली कम पाव भाजी टाइप का लग रहा है, बट ठीक है देखते हैं ट्राई करके बॉम्बे वाले भैया ने क्या बनाया है। थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है, पाव भाजी का थोड़ा टेस्ट आ रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा इसमें सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बट ठीक है फिर भैया। थोड़ा ढवेली थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया मेरे को, बर्गर में स्वाद लेना पड़ेगा। इस ढवेली को हम क्या बोले पता नहीं यार, ढवेली हम खाया है पर इसमें हमको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, पता नहीं ये लोग ढवेली थोड़ा अलग होता है, हमको तो पाव भाजी का मसाला लग रहा है, देख रहे
बस नाम के लिए इसको हवेली कर दिया है। पर जो भी है, अब लिए है तो खाना तो पड़ेगा, तो खा रहे, पर इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर। हवेली इज़ नॉट माई काइंड ऑफ, नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे हवेली नहीं खाऊँगा। क्या करूँ अब, इसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा जैसे भी हो, बट ये मेरा हवेली थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, पर कोई बात नहीं, ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, तो खाते हैं। ये पैसा वेस्ट हुआ हवेली, मेरे को लगा मीठा मीठा लग रहा है। आप एक्सप्रेशन देख के बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं लगा मेरे को, या टोटली वेस्ट। ये रहा हमारा प्लेन बर्गर, बर्गर का भी सेटिस्फाइड, बर्गर में भी चार पीस काट दिया यार, इसको भी सैंडविच बना दिया ब्रो, पर चलो कोई नहीं, ठीक है, ये सही लग रहा है मेरे को, देख सकते हैं स्टफिंग इज़ गुड, तो ये खा के देखते हैं। तो चलिए खाते हैं फर्स्ट बाइट। इट्स गुड, बहुत सही है। यहाँ पे मैं खा रहा तो ठीक है, पर जैसे बना रहा हूँ ना, लोग सब देख देख के आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर देखो रोड है, देख रहे हो इधर भी रोड है, तो यहाँ के जितने भी लोग आते हैं, बाकी ठीक है, बर्गर इज गुड। लास्ट टू पीस बर्गर कम सैंडविच हो गया, बट ठीक है, अब क्या करें, गलती से वो चार पीस कर दिया, एक बार में इसको ट्राई करेंगे खाने का। फ्राइज इज गुड, लेट्स ट्राई, एक बार में खाते हैं कि नहीं। लास्ट और मैं नहीं कुछ खा सकता हूँ गाइस, मेरा पेट भर गया, बहुत ज़्यादा खा लिया, अब दो तीन दिन के लिए गैप करना पड़ेगा। बस आप लोगों के लिए खा रहा हूँ कि आप लोगों को बता सको कहाँ अच्छा सा खाना मिलता है, तो बस जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दो गाइस, जल्दी से करो, हमको जल्दी से जल्दी 20,000 करना है, टारगेट तो है मेरा इस साल के, मतलब क्या बोले, अब जैसे आपको बोला 2024 का एंडिंग दिसंबर तक हमें 20,000 का हम लोग टारगेट लेके रखा है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है तभी हो पाएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बहुत सारे, मतलब 97% लोग मतलब वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो दिल से बुरा लगता है यार, प्लीज़ ये आप लोग के लिए, मैं ही खाता हूँ बट ठीक है, अगर आपको किसी को भी करना है मेरे साथ, देन यू कैन कमेंट, वी कैन डू कोलैब, मतलब साथ में कर सकते हैं, फूड चैलेंज भी करेंगे, चलो मेरे सब्सक्राइबर लोग के लिए ऑफर है, चलो पर आप लोग कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी कर दो, 10,000 होते होते ही कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा, मतलब थोड़ा अच्छा स्पेशल करूंगा, तो 20 हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल करूंगा, तो बस आप लोग प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। खाने के बाद इसका निकलते ही ओवरकम, तो भैया तो इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, तो आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग जरूर आके विजिट करिए, अच्छा है बनाता है, प्राइस भी कम है, तो आप लोग आके खा सकते हैं, वेज है, प्योर वेज है। हम दो तीन आइटम ट्राई किया और भी दो तीन आइटम पहले भी किया था, बट उसका वीडियो नहीं बनाया, बट हम ये डोसा फिर उसके बाद पिज़्ज़ा तो हम लोग खा चुके हैं, डोसा उसके बाद और भी जो भी आइटम है, वड़ा पाव भी खाया हुआ मैं, पिज़्ज़ा मतलब 4-5 आइटम मैंने ट्राई कर चुका हूँ, बट वीडियो दो तीन का ही बनाया, आज तो दो तीन ही खाया बिकॉज पेट भर चुका है। नेक्स्ट टाइम कोई दोस्त को लेके आऊँगा, साथ में बनाएंगे, साथ में खाएंगे और फुल एंड रिव्यू देंगे। ओवरऑल आजकल का बढ़िया था, बाकी आप लोग आइए विजिट करिए, खाइए पिए, बढ़िया लगेगा, बिकॉज प्योर वेज है ना, तो आप लोग नवरात्रि के टाइम में आपको खाना है फास्ट फूड, तो आप लोग यहाँ क्या खा सकते हैं, बढ़िया है, इसलिए मैं बना दिया पहले। बाकी मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करना, कमेंट कर देना, और कोई अच्छे फूड ब्लॉग मतलब फूड स्ट्रीट जहाँ भी मिलता है मेरे को कमेंट करो गाइस, मैं वहाँ जाकर बनाऊंगा, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बनाए रखो और जल्दी से 23,000 करवा दो, ठीक है, चलो लव यू।